rolling. Yeah. Rolling. Manya, kya kehna chahoge? Glamon 2023, it's a fourth edition and you're also part of this. Yes. Tell us something about your look as well as how was your experience. I think Parimal has decided for me to have that look. I'm super excited. It was my first calendar, so thank you for this opportunity. I'm happy to have you on board. ये मेरी life का first calendar है, तो pretty excited to see myself over there, and I'm hoping कि future में भी हम हमेशा ऐसे ही हमारी friendship और हमारा काम साथ साथ चलते रहे. साथ ही DDLG वाला जो look. Oh yes. क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैंने फाइनल अभी तक नहीं देखा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब मैं कहाँ देखूंगी ये बताएंगे मुझे. बट ये आइकॉनिक लुक है, बिकॉज व्हेन ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू बी काजोल, तो मेरा एक्चुअल नाम ही काजल है. तो एंड आई वाज नॉट नोइंग दैट ऑब्वियसली, एंड बचपन से मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ DDLG की, तो जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे सेकेंड थॉट नहीं देना पड़ा. And he has been really nice to me for this opportunity, so I was like, let's do it. Manya, साथी हम ये भी जानना चाहेंगे कि Bigg Boss कितना follow कर रहे हो आप? Honestly, अभी बिल्कुल भी नहीं, because आप सब लोग अभी मुझे regularly कहीं ना कहीं देख रहे हो, तो मौका नहीं मिलता. But I keep myself updated from Instagram, तो थोड़ा बहुत जितने भी लोग अंदर बचे हैं मैं उनको completely support कर रही हूँ, और मेरा प्यार हम सारे इंक्लूडिंग मी 16 के 16 लोगों के लिए है, क्योंकि एक की जीत हम सबकी जीत होगी. सो आई एम होपिंग कि जो भी डिजर्विंग हो उसको ट्रॉफी मिले. ऑल्सो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट हम कैरेक्टर ढूंढ रहे थे दिलवाले दुल्हनिया के लिए, मतलब काजोल का लुक वॉज वी वेरी प्रोमिनेंट. इस साल हम कैलेंडर में हर साल हम मॉडल्स को लेते हैं, एक्टर्स को लेते हैं, वी जस्ट पुट इट अक्रॉस, बट इस बार एवरीथिंग वॉज कैरेक्टर ड्रिवन. So we were scanning a lot of people and all of sudden I happened to call her up. I had a number. So मैंने बोला यार चांस ले लेते हैं, बिकॉज अभी बिग बॉस से बाहर आई है, पता नहीं करेगी नहीं करेगी. एंड आई कॉल्ड हर अप एंड शी लाइक अ स्वीट पर्सन. शी सेड ओके मेरा क्या रोल रहेगा मुझे बताओ, कब शूट करना है. एंड देन इन 1 hour 60 minutes दिस गर्ल प्रिटीली मैसेजेस मी बैक दैट यस आई एम इन फॉर द कैलेंडर. And I was like so happy, because to compete and to meet up to the level of Vishal, I wanted somebody to be there, and she made it there. And I was so happy that okay, after immediately walking out of after Bigg Boss, she was there in my calendar, and it was the first venture we ever did, though we were knowing each other. But trust me, it was a great time to be with her and do the complete calendar. Actually, मेरे लिए भी it's like a dream come true. And I was scared that day when she came to the shoot also, because that day was a very heavy day for us for the calendar shoot, and we were pressed on time, we had a lot of things, we had to do 2 looks with her, but she was very sweet to handle it. But इन्होंने मुझे पराठे खिलाए, so I think वो equal balance हो जाता है. मानिया कहीं ना कहीं Bigg Boss में आपकी किस्सा थी उस बार की, अब ऐसे last के 2 week रह चुके हैं, क्या लगता है कि कौन deserving है, क्योंकि trophy तो किसी एक को ही मिलेगी. मुझे ऐसा लगता है कि वो घर में जितने भी 16 लोग थे ना, इंक्लूडिंग मी, आई थिंक हम सब ही विनर हैं, बिकॉज हम एक अपना एक सिंगल इंडिविजुअल बैटल लड़ के उस घर में जाते हैं, और वहाँ अलग तरीके का गेम होता है. तो वहाँ जो अभी बचे हैं वो लोगों के प्यार के वजह से बचे हैं, और जो भी जीते इट विल बी लाइक एन ऑनर फॉर एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि आई नो कि जो वहाँ पे है वो डिजर्विंग है. कुछ कंटेस्टेंट्स के थ्रू ऐसे भी पता चला है कि हमें लास्ट मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है. इवन तो मुझे अंदर जाने से पहले मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा था, तो मुझे बिग बॉस का भी आइडिया नहीं था. बट मेरा मेन मोटो एक ही था कि मुझे क्योंकि मेरी एज 21 है, मेरा फोकस था कि मैं एज मच एज आई कैन अर्न फॉर माई पेरेंट्स, जितना पैसा कमा सकूँ. तो मुझे ये ट्रिक्स नहीं पता कि किसको आगे लेके जा रहे हैं, किसको पीछे लेके जा रहे हैं, बट जो भी आगे जा रहे हैं आई थिंक उन्होंने एक अपना ही बैटल वहाँ गेम खेला है, दिमाग से रहे हैं, तो सभी डिजर्व करते हैं यार, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. वेल, एक सरप्राइज तो आपने दे ही दिया है कैलेंडर, बट और भी कौन से सरप्राइजेस आपके और भी रहेंगे कुछ बता? ये अनएक्सपेक्टेड था, तो लाइफ में जो भी होगा वो अनएक्सपेक्टेड ही होगा. एंड आई थिंक व्हेन यू आर हम्बल एंड काइंड विद पीपल, खुद से आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं परिमल जैसे लोग आते हैं और आपकी लाइफ में एक स्पार्क दे जाते हैं. सो एवरीथिंग विल बी अनएक्सपेक्टेड, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो भी अपनी लाइफ में करूँ आप सभी को कहीं ना कहीं एक स्टोरी दूँ कि
ये जो देख रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले और अपनी लाइफ में सपने देखने की हिम्मत रख सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से लेना। थैंक यू आप सबके प्यार। आइए खालिद जी, लुक कैमरा मैन, यहाँ फोटो ले लो इनके साथ, हमारे सेलिब्रिटी के साथ। अरे यार भाई अभी लगाया लाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गेट थैंक यू, थैंक यू, कम रहो। थैंक यू। यहाँ पे भी सबको सामने मीडिया में बोलना पड़ेगा। मनोज सो गुड टू सी यू अगेन, और पची पाचा महीना चाहिए। मैम आ जाओ, एक मिनट सेल्फी ले लो। एक कैमरा दे दो आपका, सेल्फी ले लो, या सेल्फी ले लो फटाफट। थैंक यू। Yash? Here.